साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया। ग्रेटर टोरंटो एरिया दैट इज द GTA में नए घरों की बिक्री का ग्राफ गिरता ही जा रहा है और अब ये जुलाई में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट इज द बिल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में सिर्फ 654 नए घरों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुताबिक 48% कम है और 10 सालों के एवरेज से 70% नीचे हैं। और ये हालत तब है जब मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ रही है और बायर्स का कॉन्फिडेंस लगातार गिरता ही जा रहा है। इस माहौल में नए प्रोजेक्ट्स का रिलीज भी कम होता जा रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेंट्री पर बढ़ रहा है। बिल्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जस्टिन शेरवुड कहते हैं कि इन्वेंट्री इसलिए नहीं बढ़ रही है कि नए यूनिट्स मार्केट में आए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सेल्स कम हो रही है। जुलाई में GTA में 15 महीनों की इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल थी, जो कि अब तक के कंपैरिजन से कहीं ज्यादा है। शेरवुड का ये मानना है कि हाई इंटरेस्ट रेट बायर्स को मार्केट से दूर रखे हुए हैं और इस कारण रीसेल मार्केट में भी घरों का भंडार लग गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जिसमें 287 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुताबिक 67% कम है और 10 सालों के एवरेज से 81% नीचे हैं। वहीं सिंगल फैमिली होम्स की बिक्री थोड़ी बेटर रही, लेकिन फिर भी 10 सालों के एवरेज से 42% कम रही। शेरवुड कहते हैं कि ये सिचुएशन अभी के लिए पेंट अप डिमांड क्रिएट कर रही है, लेकिन ये इम्बैलेंस आने वाले समय में हाउसिंग मार्केट के लिए एक बड़ा क्राइसिस बनकर उभर सकता है। बिल्ट के रिसर्च मैनेजर एडवर्ड जैक का ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट्स में आने वाले कुछ और एक्सपेक्टेड कट्स मार्केट को थोड़ा बूस्ट दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जिसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट फीस और टैक्सेस शामिल है, उसका समाधान सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट से नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो GTA का हाउसिंग शॉर्टेज अगले कुछ सालों में अपने चरम पर पहुंच सकता है। ये डेवलपमेंट्स GTA के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ी वार्निंग सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है और बायर्स, डेवलपर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक अर्जेंट रिस्पॉन्स की जरूरत है। साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया।